हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल से सीमेंट पे। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट करेगा और कौन कौन शिफ्ट मैथ सेक्शन में किस शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में नंबर घट सकते हैं। और ये चीज़ें क्वेश्चन लेवल के आधार पर डिसाइड की गई हैं और सारी चीज़ें मैं वन बाई वन आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो 12 नवंबर शिफ्ट वन है, इसमें एक चीज़ सारे शिफ्ट में देखने को मिला है, केवल 12 नवंबर की शिफ्ट वन छोड़ दें तो इसमें मेंसुरेशन के जो गोले वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे अन्य शिफ्ट के मुकाबले। और बाकी जो इसमें देखने को ये मिला है कि मेंसुरेशन में जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में जितने भी शिफ्ट आए हैं या तो गोले थे या अर्धगोला, गोला अर्धगोला से क्वेश्चंस पूछे गए थे और वही पाई का मान 3.14 से ही दिया गया था। लगभग मेंसुरेशन सभी में सेम पाया गया है। और आगे की बात करते हैं, जो 12 तारीख की शिफ्ट वन थी उसमें सारी चीज़ें लगभग में ठीक ठाक देखने को मिली, कोई ज़्यादा चीज़ें एक एस सी आई और एस आई में से इसमें 2 ईयर्स का मिला, ठीक है। और जी पी भी मॉडरेट था और यहाँ पे पार्टनरशिप भी इजी थी, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का दिया गया था। बात करते हैं कि 12 नवंबर के शिफ्ट टू की बात करते हैं, इसमें चीज़ें क्या हो गई। इसमें जीपी का क्वेश्चन थोड़ा से मतलब फ्रैक्शन में दे दिए गए हैं, तो जो करना तो करें। जो टाइम एंड वर्क था इजी, इसलिए मैंने लिखा कि सेम चीज़ें चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी काम को 232 दिन 300 बार, वो सारी चीज़ सेम चल रही थी। नंबर सिस्टम इसमें क्वेश्चन क्या आए थे कि कोई 4 डिजिट का नंबर है जो 8, 10, 12 से विभाजित है, तो ये कौन सा नंबर होगा। वो एक था कि किसी नंबर को 11 से विभाजित करने पर 3 से बचता है, तो उसके स्क्वायर्स को भी 11 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा। एक तो था कोई नंबर दिया जाता है जैसे n 15 12 3 11 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। DI इजी था, ये सर्कल बेस्ड में था, परसेंटेज डायरेक्ट था 320 का 20%, ये इजी थे। सिंप्लीफिकेशन आपका एक क्वेश्चन इसमें परसेंटेज का एक था, 320 का यहाँ पे 20% था। सिंप्लीफिकेशन एक इजी था और मॉडरेट था, एक पॉइंट वाला दिया था, अंडर रूट में पॉइंट वाला दिया था। CISI मिक्स था, मॉडरेट, पार्टनरशिप भी मॉडरेट था, पाइप एंड टंकी इजी थी और टाइम एंड वर्क भी ठीक ठाक था, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और DI जो हर एक शिफ्ट में थी, DI जो 12 तारीख से लेकर हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे तो लगभग में DI लगभग में सेम ही थे, लगभग में किसी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। जो मेन अंतर जो देखने को मिला है, जो सारी शिफ्ट में आप एक एक करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। सिंप्लीफिकेशन जो 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये वाले क्वेश्चन आए थे कि इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, ये थोड़ा टाइम एंड वर्क इसमें थोड़ा सा मॉडरेट हो गया था, ठीक है। GP OP सब सेम थे और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन भी कैलकुलेटिव थी, ठीक है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपको थोड़े से हार्ड देखने को मिलने लगे। इसमें जो था यहाँ पे जो यहाँ से क्वेश्चन बदलने लगे थोड़ा सा और थोड़े हार्ड होने लगे, ये चीज़ें हो गई। मेंसुरेशन वही था और 14 की सेकंड शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन में 12 वाले क्वेश्चन आ गए थे। नंबर सिस्टम में जो यही क्वेश्चंस फिर से डिविजिबल वाले होने लगे, एक एक क्वेश्चंस, बाकी चीज़ें सेम चल रही थी, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे जो 14 तारीख की शिफ्ट थर्ड थी इसमें GP के ये वाले क्वेश्चंस आए थे, पार्टनरशिप मॉडरेट होने लगी थी। पार्टनरशिप में कौन कौन से क्वेश्चंस परसेंटेज वहाँ पे सिंपल आया था कि 320 का 20% का 30% ये था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर थोरियम से आने लगे कि अपने आय का इतना यहाँ खर्च करता है, यहाँ खर्च करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ आने लगी। CISI भी मॉडरेट आने लगी। उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप यहाँ से हार्ड आई, 15 तारीख की शिफ्ट वन में हार्ड आई, वो जिनका भी होगा वो पता होगा। यहाँ पे पार्टनरशिप हार्ड क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन जो था वो हार्ड था। यहाँ से SI भी मॉडरेट था, GP भी मॉडरेट था थोड़ा। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप परसेंटेज में रिमाइंडर थ्योरी था, DI सब में सेम था, मेंसुरेशन सेम था, पाइप एंड टंकिंग सेम था, प्रॉफिट एंड लॉस सेम चल रहा है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, रेशियो जो इजी से ऊपर था। नंबर सिस्टम यहाँ फिर से यूनिट डिजिट पे आ गए, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट वाला आ गए और रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन थे कि ये गुणा में दिया था और किसे डिविजिबल को था, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। और मैं यहाँ पे और भी चीज़ें, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है। एवरेज में किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट आया है, इजी क्वेश्चन कौन है, मॉडरेट क्वेश्चन कौन है, यहाँ भी सारी चीज़ें सेम चल रही है। देखिए हुआ क्या है, जो मैं अभी तक आपका जो एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में लाना बड़ों को बहुत टाइम लग रहा है, यही तैयार करने में लगभग मेरे 1.5 से 2 घंटे लगे। सबसे चीज़ें जो सेम आई 12 से लेकर 15 नवंबर तक,
तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेंसुरेशन लगभग में सेम थे, मेंसुरेशन लगभग में सेम थे, ठीक है ठीक है। शुरुआत में एवरेज के क्वेश्चन इजी थे, लेकिन बाद में एवरेज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होने लगे। कैसे डिफ़िकल्ट होने लगे वो आप देख, जिनका होगा मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें मैंने हार्ड लिखा है वो चीज़ें आप दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, एवरेज एवरेज में आपको दिखा रहा हूँ, एवरेज इसमें भी नहीं है, जो हार्ड था इसमें इजी था, कुछ शिफ्ट में हार्ड थे। एवरेज यहाँ मॉडरेट लिखा है, ये चीज़ें हार्ड होने लगी है, दो तीन शिफ्ट में हार्ड भी देखने को मिला है। और बाकी चीज़ें जो मैं बात करूँ, परसेंटेज, परसेंटेज जो है वो किसी शिफ्ट में आपको इजी मिली है, जैसे इजी कौन कौन से, जैसे 320 का, 20% का, 30%, और थोड़ा सा लेवल वही बड़ा है जिसमें आपसे पूछ दिया गया है कि इसका रिमाइंडर थ्योरम कि ये अपने आय का इतना परसेंट यहाँ खर्च करता है, वहाँ खर्च करता है, ये चीज़। दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ कि परसेंटेज में कुछ कुछ शिफ्ट में, जैसे कि मेंसुरेशन का जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशंस के उसी में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं कि गोले के आयतन में, लंबाई में इतने, चौड़ाई में इतने, ये सब चीज़ें, घन वाले क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें थी। परसेंटेज लगभग में सेम आ रहा है, परसेंटेज लगभग में सेम था, प्रॉफिट एंड लॉस लगभग में सेम था, पार्टनरशिप के क्वेश्चन दो तीन शिफ्ट में ऐसे थे जो थोड़े से हार्ड में चले गए थे, वो आपको ही पता है जो लोग दिए होंगे, जो पढ़ाई किए होंगे। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हो गई, मेंसुरेशन का पता ही है। एवरेज कुछ शिफ्ट में हार्ड थी, कुछ शिफ्ट में इजी थी, नंबर सिस्टम भी दो तीन शिफ्ट में हार्ड थी, कौन कौन से शिफ्ट थे मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ कि नंबर सिस्टम कहाँ से हार्ड आए हैं। नंबर सिस्टम ये इजी थे, नंबर सिस्टम देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, नंबर सिस्टम इसमें इजी था, यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम इसमें हार्ड था, ये क्वेश्चंस हार्ड थे ये वाले, और यहाँ भी एनएस हार्ड था, नंबर सिस्टम यहाँ भी हार्ड था, लगभग बाकी चीज़ें सेम चल रही हैं। शुरुआत में सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में दो तीन शिफ्ट में केवल गुना वाला क्वेश्चन पूछा है, जो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैंने बता दिया है गुना वाले इजी है, कुछ शिफ्ट में थोड़े थोड़े से टफ होते चले गए हैं, वो आप मिला लीजिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ LCM LCF के शुरू में इजी क्वेश्चंस आए हैं, बाद में फ्रैक्शन वाले हो गए, शुरू में डायरेक्ट इजी आए हैं और बाद में फ्रैक्शन वाले हो गए। तो कुल मिलाकर के मैथ्स में जो है ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है, जो वेरिएशन देखने को अभी तक मिला है, बाकी अब थोड़ी लंबी वीडियो आएगी, जो वेरिएशन देखने को मिला है वो आपको दो से तीन क्वेश्चंस, मैक्सिमम तीन से चार क्वेश्चंस का ही अभी तक देखने को मिल रहा है। तो हमको मेरे हिसाब से कि तीन से चार क्वेश्चन का ही डिफरेंस अभी तक देखने को मिल रहा है, जो पूरी डीप एनालिसिस है। तो होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। अभी और भी थोड़ी अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।